रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने 24 घंटे में छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का दूसरी बार सफल परीक्षण किया है। इससे पहले 22 दिसंबर 2021 को उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से, जिसको मैं आपको बताया हूं कि विलर द्वीप कहते हैं, इसके जस्ट ऊपर चांदीपुर द्वीप है, चांदीपुर द्वीप पे सेकंड टेस्टिंग होती है, उसके बाद सेना को हैंड ओवर किया जाता है। उस द्वीप पर ये टेस्ट कल हुआ था। प्रलय मिसाइल 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक की दूरी तक दुश्मन के अड्डों को नष्ट करने में पूरी तरीके से कैपेबल है। इसकी सटीक मारक क्षमता आराम से इसने स्पेसिफाइड तरीके से एकदम हिट किया अपने गोल को। 24 घंटे के अंदर फिर डीआरडीओ ने दूसरा टेस्ट किया था। 5 टन वजनी मिसाइल और 500 से 1000 किलोग्राम हथियार ले जाने में पूरी तरीके से कैपेबल है। यह मिसाइल 5 टन वजनी है, इसमें 500 से 1000 किलोग्राम तक के पारंपरिक हथियार लगाए जा सकते हैं। मतलब कोई भी हथियार जो एक डिजाइन किए जाते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट में या किसी भी हॉरियर में कैरी करने के लिए, इसमें आराम से लगाए जा सकते हैं। यह इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम पर चलने वाली मिसाइल है, सॉलिड प्रोपेलेट फ्यूल है। इसके मिसाइल के बारे में ज़्यादा जानकारी सरकार या डीआरडी द्वारा शेयर नहीं की गई, चूंकि यह पृथ्वी मिसाइल की तकनीक पर बनी है, उसी के बेस पे इसको बनाया ही गया है। तो आपको बता देता हूँ कि ये भारत की 3 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के टेक्नोलॉजी पर ही मिलकर बन सकती है। प्रहार पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3, ये तीनों मिसाइल को ही मिक्स करके इसको बनाया गया है। और जहाँ से इसको लॉन्च किया गया, मैंने उसका एड्रेस आपको बता ही दिया, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो है उड़ीसा में विलर द्वीप है, उसी को एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड कहते हैं। वहीं ज़्यादा टेस्टिंग क्यों की जाती है, क्योंकि समुद्री इलाके हैं और समुद्री इलाके में आराम से टेस्टिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, डीआरडीओ अभी जो 24 घंटे के अंदर इसका टेस्ट कर रहा है, इससे बड़ी बात यह है कि डीआरडीओ जब इस मिसाइल को बेचेगा किसी और कंट्री को या किसी और मैग्निफिकेशन कंट्री को, जैसे मान लीजिए चाइना का कोई भी, जितनी विरोधी कंट्री जो छोटी छोटी कंट्री है, अगर डीआरडीओ ने सोचा कि हम उनको देना चाहें, मतलब हम फिलीपींस को देना चाहें, हम और किसी कंट्री को देना चाहें, तो हम आराम से दे सकते हैं। इस मिसाइल को बनाने में बहुत कम खर्चा लगता है, जो कि और मिसाइलों के बनाने में ज़्यादा खर्चा लगता है। अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया को देने की, अगर हम बात करते हैं सुमात्रा को देने की, अगर हम बात करते हैं मलेशिया को देने की, अगर हम बात करते हैं ताइवान को देने की, अगर हम बात करते हैं जापान को देने की, अगर हम बात करते हैं दक्षिणी कोरिया को देने की, अगर हम बात करते हैं मलेशिया को देने की, अगर हम बात करते हैं ओमान, यमन, सऊदी अरब, ईरान, किसी भी कंट्री को देने की, तो हम बहुत आराम से इस टेक्नोलॉजी को दे सकते हैं। और डीआरडीओ इस टेक्नोलॉजी को जो इतनी बार बार टेस्ट कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है कि इसकी हर एक रेंज में, इसकी हर एक शॉर्टेज हम आराम से देख सके और बहुत ही सटीकता के साथ हिट कर रहा है या नहीं, इसको भी हम क्लियर कर सके। अगर डीआरडीओ ने इस मिसाइल को दूसरी कंट्रीज़ को दे दिया, मतलब जो चाइना और पाकिस्तान की एंटी कंट्री अगर उनको दे दिया, तो चाइना और पाकिस्तान में भूचाल मच जाएगा, क्योंकि एमटीसीआर का सदस्य चाइना नहीं है। और भारत ने जो ये मिसाइल बनाई है, ये 500 किलोमीटर की रेंज से कम भी है, और भारत अपने टेक्नोलॉजी पे इसको इसलिए बनाया है कि इसकी रेंज को हम घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। अगर हमें मान लीजिए किसी कंट्री को देना है, हमें अगर किसी भी देश को देना है और उस वो एमटीसीआर का सदस्य नहीं है, तो एमटीसीआर का जो सदस्य नहीं, वो 400 किलोमीटर की कम सी मिसाइल रखेगा, तो हम इस रेंज, इस मिसाइल की रेंज को कम कर देंगे और देश को बेच देंगे। मान लीजिए कजाकिस्तान को देना है, तुर्कमेनिस्तान को देना है, उज्बेकिस्तान को देना है, किसी भी कंट्री को देना है, तो हम आराम से इस मिसाइल की रेंज को कम करके हम इसे दे सकते हैं और हम मोटा मोटा मुनाफा भी कमा सकते हैं, क्योंकि इस मिसाइल को बनाने में ज़्यादा खर्चा नहीं है और इस मिसाइल को मुनाफे इसके बहुत ज्यादा हैं। तो चाइना और पाकिस्तान कहीं ना कहीं बैलिस्टिक मिसाइल जो ये बनकर तैयार हुई है, इससे डर का पूरी तरीके से माहौल तैयार हो गया। वो बॉम्बर तैनात कर ले, वो कुछ भी कर ले, डीआरडीओ ने 24 घंटे के अंदर में दोबारा परीक्षण करके बता दिया है कि भारत की वो धरती से अब चाइना और पाकिस्तान दोनों का बचना नामुमकिन है। और भारत पाकिस्तान जो भी LOC पर अभी आपने कुछ दिन पहले भी देखा कि इंडियन आर्मी ने उसको चेताया कि आप 500 मीटर तक बंकर उनकर मत बने, लेकिन वो मान नहीं रहा है। अब ये मिसाइल उनको समझाने के लिए कैपेबल है पूरी तरीके से। इस वीडियो पे आपकी क्या मानना है और DRDO के इस ग्लोरियस सक्सेस पे आप किस नज़रिए से सोचते हैं, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।